हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन इक्विटी। कैसे दोस्तों आप सब लोग? तो गाइस, आज हम बात करेंगे आज के क्रूड ऑयल के मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में। आज क्रूड ऑयल कैसे बिहेव कर सकता है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, क्या मूवमेंट हम देख सकते हैं आज के दिनों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मैं लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था और कल भी हमारे ओपन चैनल और टेलीग्राम पेड ग्रुप में मैंने क्लियरली बताया था कि अगर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल 8300 क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं हम एक अपसेट मूवमेंट देख सकते हैं। तो गाइस, वही हो रहा है, आप देख रहे हो 8300 क्रॉस करके एक अपसेट मूवमेंट देखा गाइस। बट गाइस, एक चीज़ याद रखना, अपसेट मूवमेंट ये मुझे नहीं लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। फिर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल के लिए 8500 का। अगर 8500 क्रॉस करेगा तो मैं बोल सकता हूँ गाइस 9000 दिख सकता है हमें थोड़े दिनों के अंदर ही। बट जब तक 8500 क्रॉस नहीं करेगा हम अपसेट मूवमेंट नहीं देख सकते। जो रेजिस्टेंस होगा क्रूड ऑयल के लिए वो 8500 का होगा, ठीक है। अगर 8500 क्रॉस किया तो गाइस आप लोग आग बंद करके कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो और एक दो दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, जिसका टारगेट होगा 9000 के करीब, ठीक है। अगर गाइस 8500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो तो स्टॉप लॉस होगा 8300 का, टारगेट होगा 9000 का, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल आज के दिनों में 8300 के नीचे आता है तो हमें पुट ऑप्शन को बाई करना होगा, जिसका टारगेट होगा 8100 के करीब। बट गाइस याद रखना, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक या क्रॉस नहीं करता है तब तक हम कोई लेवल नहीं ले सकते हैं, मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा रेंगते हुए। तो गाइस वेट करना होगा प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक या क्रॉस करने के लिए। अगर कर दिया तो उसके बाद हमें पोजीशन को बाय या सेल करना है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।